तो आज की जो हमारी क्लास है वो बेसिकली है कि भी हाउ वी कैन डिज़ाइन अवर होम पेज, ठीक है, यूजिंग एलिमेंट, यूजिंग फ्लैटसम पेज बिल्डर। ठीक है, फ्लैटसम के अंदर जो हम लोग पेज बिल्डर यूज़ करेंगे उसका नाम है यूएक्स बिल्डर, जिसके थ्रू कल हम लोगों ने यहाँ पर एक दो एक एरिया भी यहाँ पर भी बनाया था हमने यूएक्स बिल्डर को यूज़ करते हुए। तो यूएक्स बिल्डर को इनेबल करने के लिए आपने क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपके माइंड में एक आइडिया होना चाहिए कि सबसे पहले आपकी वेबसाइट के ऊपर आप लोग क्या लगाना चाह रहे हैं। तो हर वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले एक स्लाइडर लगा होता है जो स्क्रॉल हो रहा होता है, तो उसके लिए आप, अच्छा मुझे किसी भी वेबसाइट के नाम बताएं जो आप लोगों के दिमाग में वो अच्छी है जिसके डिज़ाइन कॉपी करना चाहिए हमें। फिर तो हम किसी के डिज़ाइन कॉपी करेंगे, बताएं किसी भी वेबसाइट का नाम बता दें। अच्छा चलिए मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ये भी एक वेबसाइट का डिज़ाइन है, यहाँ प्रोडक्ट्स भी लगे हुए हैं, यहाँ डिज़ाइनिंग भी हुई हुई है, लेकिन ये इतने, हाँ है ये प्यारी, नो डाउट। फिर यहाँ पर और मैं एक वेबसाइट यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, ये कर लें। ये मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई हुई है, चले। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अब मैंने ये तो मैंने सोच लिया कि भाई मैंने सबसे पहले अपना हेड, अपना ये बॉडी के अंदर सबसे पहले मैंने लगाना स्लाइडर, ठीक है। तो स्लाइडर के लिए मेरे पास इमेजेस कहाँ से आएंगी, इमेजेस मैं कहता हूँ, चलो मैं कहता हूँ मैंने स्टार्टिंग के अंदर इमेजेस भी इन्हीं की कॉपी करनी है, ठीक है, बिकॉज हम लोग डेमो रेडी कर रहे हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, डिज़ाइनर्स डिज़ाइन करके देते हैं हमें, जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं ना, या फिर अगर हमें खुद कैनवा यूज़ करने आता है प्रॉपर तो हम लोग खुद डिज़ाइन कर लिया करते हैं वहाँ से, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं होता। तो मुझे ये वाले बैनर्स के डिज़ाइन पसंद थे, तो अब यहाँ पर एक और क्रोम की एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन तो अब लगानी आ गई होगी। आपने एक्सटेंशन में जाकर एक एक्सटेंशन को सर्च करना है, इमेज डाउनलोडर, ये भी बड़े मज़े का है, ये भी मज़े का है और ये भी मज़े का है, यानी कि जो मर्जी कर लें। मैं इस वाले पे आ जाता हूँ, लेट से इमेज आई वाले पे, ऐड टू क्रोम कर लेता हूँ। ये काम कैसे करते हैं अभी आप यानी कि जो मर्जी आप लगाएं, मेन काम है एक एक्सेस का, एक चीज़ का क्या है, बस इमेजेस डाउनलोड करवा के देना। अब आपको मैं इसको ज़रा पिन कर लूँ, चलें इस वेबसाइट को एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। अब ये बनवा गया इमेज डाउनलोडर का, यहाँ क्लिक किया मैंने, अब ये इमेजेस पिक करना शुरू कर देगा इस वाले वेब पेज से। ये बहुत देर लगा रहा है, मैं ये वाला ओपन कर लेता हूँ, ये थोड़ा स्पीडली पिक कर लेते हैं, ये रीज़न थी वो वाला करने की। ये बैनर्स की इमेजेस बनी आ रही लगी आ रही हैं, सिंपली यहाँ क्लिक करें डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ क्लिक किए मैं डाउनलोड, यहाँ क्लिक किया मैंने डाउनलोड, मैंने तीनों बैनर्स की इमेजेस डाउनलोड कर ली। इसका क्या मतलब है कि अब मेरे पास डाटा है कि मैंने किस किस कैटेगरी की चीज़ें अपनी वेबसाइट में लगानी है। मैंने बैग्स हैं मेरे पास हेयर एक्सटेंशंस हैं, मेरे पास मेकअप ब्रशेज हैं, तो उस तीन जिस टाइप की कैटेगरीज हैं उससे रिलेटेड ही बैनर्स बने हुए हैं अगर आप लोग गौर करें। तो आप लोग अपनी वेबसाइट पे जो भी चीज़ सेल कर रहे हैं आप उसी लिहाज से गूगल से बैनर्स उठाएंगे, ठीक है, या खुद कोई डिज़ाइन कर लेंगे। फिर ये जो लिखी आ रही है, ये लिखी आ रही है कैटेगरीज के नेम्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आके इनेबल, यहाँ पर आके क्लिक नहीं मैं करूँगा, खाली माउस यहाँ पर लेकर आया, लिखा हुआ है एडिट द यूएक्स बिल्डर, क्लिक कर दूँगा।
जैसे ही हमने एडिट विद यूएक्स बिल्डर किया यहाँ पर अपना, तो हमारा पेज बिल्डर ओपन हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे जो भी एडिटिंग हम लोग करेंगे वो कहाँ से होगी, हमारे हमारे मेन पेज पर, यानी कि हमारे होम पेज पर। चले अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक और तरीका होता है कि भी हम लोग यहाँ से कोई डिज़ाइन बना बनाया चूज़ कर लें। ये बने बने डिज़ाइन हमारे पास आ रहे हैं, बट हमने डिज़ाइन खुद एक रेडी करना है, यानी कि लेट से हमने ये वाला डिज़ाइन देख लिया, हमने इससे मिलता जुलता डिज़ाइन हम लोग रेडी करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग अपने पास से भी ऐड करना चाह रहे हैं, लाइक ये नीचे तीन बॉक्सेस लगे आ रहे हैं, हम ये खुद ऐड करना चाह रहे हैं, या फिर हम इस टाइप का डिज़ाइन रेडी करना चाह रहे हैं, या इस तरह का डिज़ाइन रेडी करना चाह रहे हैं, तो ये हमारी मर्ज़ी होती है कि भी हम लोग किस टाइप का डिज़ाइन रेडी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आऊँगा ऐड एलिमेंट्स पर। मैंने क्या लगाना था, क्या बोला था मैंने, स्लाइडर। यहाँ पर क्या लिख लूँगा, स्लाइडर। जैसे मैंने स्लाइडर लिखा तो उस स्लाइडर की कुछ सेटिंग्स आ गई हैं, ठीक है। वो कह रहा है आपको फुल बिट्स वाला चाहिए या कंटेनर वाला चाहिए, कौन सा एरिया चाहिए, कौन सा किस टाइप का चाहिए। अगर मैं कंटेनर पे करूँगा तो कंटेनर का मतलब क्या होता है कि साइड पर स्पेसेस आ जाए। फिर स्लाइडर के अंदर फिर एक ऑप्शन आ रहा है ऐड स्लाइड्स, प्लस पे क्लिक करूँगा मैं। वो कह रहा है इमेज ऐड करनी है या कोई बैनर ऐड करना है। अब हमें यह पता है कि हम जो इमेज ऐड करें उनके ऊपर टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है, यानी कि हमने इमेज को डिज़ाइन ही ऐसा किया हुआ है। फिर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सिंपली यहाँ पर इमेज ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई खाली एक बैकग्राउंड इमेज है और टेक्स्ट आपने खुद ऐड करना है उसके ऊपर, फिर आप लोग एक बैनर चूज़ किया करते हैं, ठीक है। या फिर एक लेआउट नीचे ये वाला आ रहा है ग्रिड का। इस लेआउट में क्या है, इस लेआउट के अंदर वो जो डेमो में डिज़ाइन नहीं आ रहे थे, वो कुछ एक बॉक्स ऐसे था नीचे, फिर एक बॉक्स था, फिर दो बॉक्सेस थे, उस टाइप के डिज़ाइन ग्रिड में आ रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बैनर ही ले लेता हूँ, इमेज ले लेता हूँ। इमेज आ गई हमारी। फिर इमेज सबसे पहले आपने क्या करना है, साइज़ को रखना है ओरिजिनल, सिलेक्ट मीडिया। अब मैं यहाँ पर वो जो मैंने तीन बैनर्स डाउनलोड किए थे ना, उन बैनर्स को मैं यहाँ अपलोड कर देता हूँ। ये पड़े हुए हैं, आगे। अब आपने जो सा बैनर पहले लगाना है वो उसकी इमेज चूज़ कर लें, जो सी इमेज पहले लगानी है। मैं कहता हूँ मैं ये वाली इमेज पहले लगाना चाह रहा हूँ, देन यूज़ दिस इमेज। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारी वो उस बैनर की इमेज आ जाएगी। फिर यहाँ पर आ रही होती है इमेज की हाइट, इसको आपने हमेशा रखना है एक्स पे। एक्स मीन्स होता है ऑटोमेटिक, कि ऑटोमेटिकली बैनर जो है इमेज के हिसाब से अपना साइज़ कर ले एडजस्ट। उसके अंदर हमें बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ये होता है कि भी हमने जितने बैनर लगाते हैं ना, हमने उनको साइज़ पहले ही रखा होता है, यानी कि सेम साइज़ के बैनर्स होते हैं। लेट्स से अगर हमारा एक इमेज है 1920 बाई 1080 के साइज़ का, तो हम लोग बाकी दो इमेज भी जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो हमारी 1920 बाई 1080 के साइज़ में ही होनी चाहिए, ठीक है। देन हमारा साइज़ ऑटोमेटिकली बैनर का सेम ही रहेगा।
लेकिन अगर एक इमेज हमारी 1920 बाई 800 की है और एक हमारी 1920 बाई 1080 की है, तो एक इमेज हमारी ऐसी आ रही होगी, यानी कि वो फुल स्मूथ जा रही होगी, यानी कि उसका साइज़ ये वाला है, लेकिन दूसरी थोड़ी सी उसकी हाइट ज़्यादा है तो वो उसकी हाइट यहाँ तक आ रही होगी, तो वो बैनर जब स्लाइड कर रहे होंगे ना, तो एक इमेज छोटी, फिर एक इमेज बड़ी, फिर एक छोटी, इस तरीके से करके वो चल रहा होगा, तो वो थोड़ा बुरा इम्पैक्ट देता है वेबसाइट के ऊपर। तो एक इमेज होगी, फिर इस इमेज की मज़ीद सेटिंग्स आ रही हैं। एक आ रहा इमेज ओवरले। इमेज ओवरले का मतलब क्या है कि आप इमेज के ऊपर कोई भी कलर लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने इमेज डिज़ाइन की हुई है तो आपने कलर स्कीमिंग रखी होगी ना, यहाँ पर इमेज ओवरले देने का हमें फ़ायदा नहीं है। फिर यहाँ पर आ रहा इमेज होवर कि जब इस पर माउस हम लोग लेके जाएँ फिर क्या हो, मैं कहता हूँ जूम हो, या फिर ब्लर हो जाए, तो ये इफेक्ट्स यहाँ पर तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर ये अच्छा इफेक्ट देते हैं। देन फिर हमारे पास एक चीज़ यहाँ पर आ रही है पैरेलेक्स। पैरेलेक्स क्या होता है, लेट्स से मैं यहाँ पर पैरेलेक्स को ऑन करता हूँ, थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, देख रहे हैं वो मूव कर रही है इमेज हमारी। तो अगर पैरेलेक्स लगाना चाहिए तो आप लोग लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर आ रही कुछ एनिमेशंस कि जब लोड हो के, जैसे वैसे लोड होगी तो इमेज कैसे कहो कि शो हो। लेट्स से मैं कहता हूँ फेड इन लेफ्ट, अप्लाई करके एक तो मतलब इसका प्रीव्यू देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। ये इमेज हमारी फेड इन लेफ्ट होगी। फिर ठीक है, इफेक्ट आया था इसके ऊपर। और हमने एक और चीज़ भी की थी, हमने क्या किया था, इसका कंटेनर लेआउट दिया था ना, लेकिन आप कह रहे हैं हमें अब स्पेसेस नहीं चाहिए, हमारा मूड चेंज हो गया है, तो सिंपली आप स्लाइडर की सेटिंग में दोबारा आएँ, यहाँ पर आके आप इसके स्टाइल को डिफ़ॉल्ट पे कर दें। डिफ़ॉल्ट पे कौन सा साइज़ आ रहा है, जो हमने फुल विड्थ दिया था ना स्टार्टिंग में पेज को, वो वाला स्टाइल, ये फुल विड्थ स्टाइल आ रहा है आपका। अगर आपने फुल विड्थ करना तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। देन आपने अगेन इमेज की कुछ सेटिंग्स करनी है, तो आप यहाँ पर आएंगे, नीचे आ जाएं। अगर आप इस बैनर को कोई लिंक देना चाह रहे हैं, लेट्स से आप कहते हैं बैनर्स के ऊपर हमने यहाँ पर एक कैटेगरी बना दी है, उस कैटेगरी का नाम है मेकअप ब्रशेज, आप कहते हैं उसके ऊपर मेकअप ब्रशेज की कैटेगरी, जैसे उस बैनर पर क्लिक हो ना तो ये वाली कैटेगरी ओपन हो जाए, तो आप इसका लिंक कॉपी करेंगे यहाँ से और आप इस बैनर को यहाँ पे लिंक दे दें। अब क्योंकि जब इस बैनर पे क्लिक होगा ना तो वो वाली कैटेगरी ओपन हो जाएगी आपकी। हमने अभी कोई कैटेगरी बनाई नहीं हुई, इस वजह से मैंने किसी और की वेबसाइट का लिंक दे दिया है यहाँ पे कि आप लोगों को वाजर है। एंड अप्लाई। अब आप कहते हैं आपने कभी एक बैनर की सेटिंग कर ली है, आप लोगों को बार बार अगले इमेज में सेटिंग ना करनी पड़े, तो आप क्या करें, इसी इमेज को डुप्लीकेट कर दें, सेकेंड इमेज आ गई, तीन लगानी है, थर्ड आ गई, इस वाली इमेज पर आया, इसकी सेटिंग के अंदर गए, रिमूव मीडिया करके यहाँ पे मैं एक न्यू इमेज मैं यहाँ पर सेकंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स मैं कहता हूँ सेकंड पे मैं ये शो करवाना चाह रहा हूँ। अब बाकी सारी सेटिंग हमारी हुई हुई है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर सेकंड बैनर आ गया। लेकिन आप कहते हैं हमने पहले ये वाला शो करवाने हैं नेल्स वाली, तो क्या बनाने के बाद भी हम इनकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं। अब जब वेबसाइट लोड होगी तो पहले ये वाली इमेज आएगी, फिर मेकअप ब्रशेज आएगी, बाकी आप लिंक फिर यहाँ से आके चेंज कर देंगे उस कैटेगरी का, उसको आप नेल्स की कैटेगरी का लिंक दे देंगे। अब यहाँ मैंने नेल्स की कैटेगरी बनाई नहीं हुई, इसको खाली मैंने ऑल नेल्स में कह देता हूँ, इसको मैं ऑल नेल्स का लिंक दे देता हूँ। ठीक है, एक खाली हमारी एक बैनर रह गया, सेलेक्ट मीडिया, ये हमारा स्लाइडर रेडी हो गया। अब एक स्लाइडर था हमारा इस टाइप का,
सही सेम है तीनों का या डिफरेंट डिफरेंट है लास्ट वाली का? सेम है, ठीक है। फिर अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं, एट अ टाइम एरोज भी आ रहे हैं और बुलेट्स भी आ रही हैं। मैं कहता हूँ कि भाई या तो एरो शो हों या बुलेट शो हों, कोई एक चीज़ शो होनी चाहिए एट अ टाइम। मैं स्लाइडर की सेटिंग के अंदर आऊँगा, नीचे आ जाए। एक यहाँ पर आ रहा है फ्री स्क्रोल, ड्रैगेबल फ्री स्क्रोल को मैं ऑन कर देता हूँ कि भाई हम लोग हैंड से भी इसको मूव कर सकें। हैंड से क्या मुराद होता है? ऐसे कि मूव कर सकें। फिर आ रहा है नेविगेशन कंट्रोल, इसको नेविगेशन कंट्रोल भी बोलते हैं। ऑलवेज विजिबल, तो ऑलवेज विजिबल हो गए। फिर नीचे आए, फिर आ रहे हैं एरोज। अब अगर आप एरोज को ऑफ करना चाह रहे हो, खाली बुलेट्स को रखना चाह रहे हो, तो आप एरोज को ऑफ कर दोगे। अब एरोज ऑफ हो गए, खाली बुलेट्स रह गई हैं। लेकिन हम कहते हैं यहाँ पे एरोज अच्छे लग रहे हैं, यहाँ बुलेट्स बुरी लग रही हैं, क्योंकि हमारी लाइट कलर स्किपिंग है ना, तो बुलेट शो ही नहीं हो रही। तो आप क्या करें, सिंपली इन बुलेट्स को ऑफ कर दें। अब आपकी बुलेट्स नीचे वाली ऑफ हो गई। अगर ऑन रखना है और अगर डिज़ाइन चेंज करना है इसका, तो यहाँ पर ये डिज़ाइन होता है। देखिए हम डैशेज वाला स्टाइल आ गया है। फिर डैशेज में स्पेसेस चाहिए, या फिर सिंपल या स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से करके आप इनकी डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं ऑफ़ कर रहा हूँ। ऑटो स्लाइड, हाँ भाई ऑटोमेटिकली स्लाइड हो, कि भाई चेंज होती रहे स्लाइड्स। फिर नीचे आ रहा टाइमर कि कितने सेकंड्स के बाद एक इमेज चेंज हो, एक स्लाइड स्लाइड करे। तो यहाँ पर एक बार 6000 मिली सेकेंड्स ms, एक सेकेंड के अंदर 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं। तो यानी कि अगर मैं इसको 3000 कर दूँगा तो 3 सेकेंड्स के बाद एक स्लाइड चेंज होगी हमारी। पॉज एंड हूवर का मतलब ये होता है कि जब हम इस पर माउस लेकर जाएं तो स्लाइड रुकी रहे, और जब हटाया हो तो वो स्लाइड होती रहे। तो अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो स्लाइड होती रहेगी। अब एक दफ़ा अपनी वेबसाइट का प्रीव्यू कर लेते हैं अगेन। कैसे और माउस है भी, ये फिर भी स्लाइड करेगा। फिर ये देखिए अब एक चीज़ हुई है, हम इसको यहाँ रोक रहे तो ये यहीं पर रुक रही है। इसे कहते हैं वो जो फ्री स्क्रॉल नहीं हमने ऑन किया था, फ्री स्क्रॉल, ये वो वाला ऑप्शन है। तो अगर आप कहते हैं नहीं भाई एट अ टाइम हमारी स्लाइड स्क्रॉल हो जाए पूरी की पूरी। वेलकम, चलिए अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी सेटिंग के अंदर आके इसको मैं फ्री स्क्रॉल को मैं ऑफ कर देता हूँ। अब क्या होगा, पूरी पूरी स्लाइड एट टाइम स्क्रॉल होगी, यानी क्या वो यूं करके वो रुक नहीं जाएगी। अब देखिएगा, अब जब मैं स्लाइड करूँगा तो पूरी पूरी स्लाइड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं इसके नीचे एक डिज़ाइन बनाना चाह रहा हूँ, नेक डिज़ाइनिंग, जिसके अंदर मैं क्या रखूँगा कि जो मैंने कैटेगरीज के नाम रखने हैं ना, उन कैटेगरीज के नाम के मैं यहाँ पर 3 बॉक्सेस बनाऊँगा। मैं यहाँ पर एक रो ले लेता हूँ, फिर उस रो के अंदर भी डिफरेंट ऑप्शन होंगे हमारे पास कि 3 वाला लेना है 4 वाला लेना है, डबल कॉलम, सिंगल कॉलम, या एक कॉलम छोटा एक कॉलम बड़ा। इसी तरह के मल्टीपल डिज़ाइन के ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं कहता हूँ लेट से मैंने यहाँ पर 4 कैटेगरीज बनानी है, ठीक है। मैं ये डिज़ाइन यहाँ चूज़ कर लेता हूँ। फिर इस रो की सेटिंग आ रही है, सबसे पहले आ रही है इसकी कॉलम स्पेसिंग। जो एक रो हो आ गई, फिर नीचे आ रही है उसकी कॉलम्स, ये कॉलम्स है, इनकी स्पेसिंग स्मॉल रखनी है, लार्ज रखनी है, ये इनको आपस में जोड़ देना है। जोड़ देंगे तो वो साथ लग जाएगा। अब अगर आप लोग गौर करें तो इस तरह का एक स्टाइल हमारे पास डेमो में आया था, जिसके अंदर जो मैंने देखी, जिसके अंदर ट्रांसपेरेंट हेडर था, उसमें इस तरह का एक नीचे बॉक्स वाला एरिया बना हुआ था। तो खैर स्टार्टिंग में हम लोग ज़रा स्मॉल वाला गियर डिज़ाइन चूज़ कर लेते हैं।
फिर इसकी विड्थ, अभी इसकी विड्थ क्या है, कंटेनर, अगर मैं इसकी विड्थ फुल कर दूंगा तो वो फुल एरिया में फैल जाएगा। अलाइनमेंट इक्वल रखनी है एंड हॉरिजॉन्टल में सेंट्रलाइज करना है। कॉलम की डेप्थ मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो क्या चीज़ है। अब आगे कि भी हमने इन कॉलम्स के अंदर लगाना क्या है। अब या तो यहाँ पर आप अपनी इमेजेस लगा सकते हैं या यहाँ पर हम लोग बैनर लगाएंगे। अब यहाँ पर मैं इस चीज़ से रिलेटेड लगाना चाह रहा हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ मेरी पहली कैटेगरी है नेल्स, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक लेता हूँ बैनर, ये पड़ा हुआ बैनर, बैनर में आ गया। अब बैनर में भी देखिए मेरे पास मल्टीपल किस्म के डिज़ाइन आ रहे हैं, आ रहे हैं ना, तो हम इनमें से भी कोई भी एक डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं बैनर्स का। ऐसे मैं कहता हूँ मैं ये सिंपल वाला चूज़ करना चाह रहा हूँ जो कि सेंट्रलाइज, जिसमें बटन भी एक बटन आ रहा है, ये वाला डिज़ाइन मैंने चूज़ कर लिया। सबसे पहले इसकी हाइट आ रही है, ऑटोमेटिक कब रखते हैं हम लोग, जब हमारी सब इमेजेस का साइज़ सेम हो, जो हम बैकग्राउंड के ऊपर लगा रहे हैं, फिर हमारे ठीक है। तो मैं इसको ऑटोमेटिक पे ही कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से फिलहाल मेरे पर नेल्स की कैटेगरी का वैसे तो हम लोग गूगल से उठा सकते हैं, गूगल पे मैं जाके लिखूँ नेल्स, तो नेल्स की तरह के हमारे पास बैनर्स आ जाएंगे, बड़े मज़े मज़े के इमेजेस आ जाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ मैं ये वाली इमेज लगाना चाह रहा हूँ उसके बैकग्राउंड के ऊपर, कि चीज़ हमारी थोड़ी अच्छी लगे। आगे एंड सेव इमेजेस। लेकिन अब हमें यहाँ पर नहीं पता, हो सकता है हम लोग सेकेंड इमेज जो लगा रहे हों उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो, यानी कि हॉरिजॉन्टल में, तो हम इधर उस वाले एरर को भी फेस कर लेते हैं फिर, जो कि आ सकता है। नेल्स के बाद मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ मेकअप ब्रशेस, उसके लिए मुझे कैटेगरी के ऊपर जो फीचर इमेज अच्छी लग रही है वो ये वाली इमेज अच्छी लग रही है। अपने इमेज के लोड होने का वेट करना है, अगर पहले ही जल्दी से अगर आप लोग कर लेंगे तो वो उसकी लो क्वालिटी होगी, अभी ये हाई क्वालिटी है। सेव इमेजेस, सेव कर ली। थर्ड वन इमेज जो मैं यहाँ पर लगाऊंगा वो मेरी होगी बैग्स, बैग्स पे मुझे जो इमेज अच्छी लग रही है वो है ये वाली, क्योंकि अगर गौर करें ये वाला जो बैग है ये यहाँ इस वाली वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है ऑलरेडी। वैसे मेरे माइंड में एक आइडिया है कि मैंने ये लगाया हुआ है, मुझे वर्किंग करते वक्त याद आ गया था ये, कि भी ये लोग अभी बैग सेल कर रहे हैं, यानी कि इसका एक और कलर पड़ा हुआ है ब्राउन, कैमल ब्राउन। इधर पड़ा हुआ सेल तो नहीं हो गया ये, यानी कि ये लोग इसी टाइप के आइटम सेल कर रहे हैं, पर ये वाली इमेज थोड़ी सी फीचर इमेज लगाने के लिए आती है कि बेस्ट है, यानी कि बैकग्राउंड के ऊपर ना कि इसके साथ कलर भी आ रहा है, हर चीज़ है, एंड तीन बैग एट अ टाइम वो शो कर रही है वेबसाइट में। तो ये वाली इमेज मैं चूज़ कर लेता हूँ। एंड फोर्थ पे मैं एक मेरी कोर कैटेगरी है जिसका नाम है हेयर एक्सटेंशंस। ये वाली मुझे अच्छी लग रही है थोड़ी सी, अभी ये लो क्वालिटी थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी हाई क्वालिटी में आ गई है। ये हमारी इमेजेस हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इस एक को इमेज दे लेता हूँ, अपलोड में इकट्ठी कर लेता हूँ सारी, किधर है ये देख रहे हैं, एक इमेज ऐसे है, एक इमेज ऐसे है, एक ऐसे है, देख रहे हैं सर्वो से डिफरेंट है। अपलोड मैंने इनको कलेक्टिवली कर लिया, सबसे पहले मैंने क्या बताया था मैं कौन सी कैटेगरी लगाना चाह रहा हूँ, नेल्स।
चलेंगे नेल्स आगे, सेलेक्ट कर ली हमने इमेज। ये हमारी इमेज आ गई, ठीक है। देन मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसकी टेक्स्ट को एडिट करना चाह रहा हूँ। अब टेक्स्ट पे क्लिक करें, टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लें, जो नीचे बेकार से लगा हुआ है इसको आप रिमूव करें। इधर मैं कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ नेल्स, कि ये मेरी नेल्स, इस कैटेगरी का नाम है नेल्स। देखिए हेडिंग थ्री में मैं इसको हेडिंग टू कर लेता हूँ, कि थोड़ा सा बड़ा साइज हो। आ गया, फिर ये देखते हैं ये सेंट्रलाइज है या नहीं, सेंट्रलाइज ही है। फिर ये लिखवा रहा है ये बटन। अब मैं इस बैनर के ऊपर, इसके बटन के ऊपर क्लिक कर ले, बटन के ऑप्शंस के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ शॉप नाउ। फिर यहाँ पे आ रहा है बटन के अंदर कि भी आप आउटलाइन वाला डिज़ाइन देना चाह रहे हैं, बेबल वाला या ग्लॉस वाला, ऐसा इस तरह के हैं ये डिज़ाइन हैं। डिफ़ॉल्ट पे करूँगा तो वो बैकग्राउंड कलर के साथ आएगा। साइज़ अब नॉर्मल पे है, लार्ज करना है, नोमा वाला अच्छा लग रहा था मुझे। ये वाला एक डिज़ाइन रख लिया मैंने। फिर यहाँ पर आ रहा है रेडियस, ये बटन का रेडियस हो रहा है, यानी कि बटन के जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड हो रहे हैं, ठीक है। ये मैंने कर लिया, एक्सपेंड करेंगे बटन को तो क्या होगा, थोड़ा सा फैल जाएगा। देन अब आ जाते हैं हम लोग इस वाले बैनर की सेटिंग ऊपर दोबारा। अच्छा, अब इसके ऊपर टेक्स्ट शो तो हो रहा है लेकिन वो ज़्यादा बहुत लाइट है। मैं कह रहा हूँ अब इसके ऊपर वो अच्छा लगेगा बैकग्राउंड ओवरले, कि बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क हो जाएगा और टेक्स्ट हमारा प्रोमिनेंट हो जाएगा। नीचे है, सॉरी ये पड़ा है हमारा ओवरले, तो आप किसी भी कलर की ओवरले यहाँ पर दे सकते हैं। लेट्स से आप कहते हैं कि हमने देनी गोल्डन कलर की है, तो ये तो फुल डार्क हो गया ना। यहाँ पर आके आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा लाइट कर लें। देखिए वो ब्लैक पे थोड़ा प्रोमिनेंट होगा ना, अगर लाइट के ऊपर हम लोग मजीद लाइट ओवरले लगा रहे हैं तो वो अजीब लगेगा। ये ले, और यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, प्रोमिनेंट है। ये एक चीज़ होगी। अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा मैंने इतनी मेहनत एक बैनर पे कर ली है, दूसरे वाले को मैं डुप्लीकेट करना चाह रहा हूँ। इस पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा। लेट्स से सेकंड वाले में मैं लगाना चाह रहा हूँ यहाँ पर बैग्स, यहाँ पर मैं बैग वाली में चूज़ करूँगा। टाइम लगा रहे तो मैं दोबारा अपलोड ही कर लेता हूँ इसे। अच्छा, डोंट नो ये मसला कर क्यों रहा है। अप्लाई करके मैं तो अपडेट करता हूँ इसे, देख लेते हैं हमारी वर्किंग सेव हुई है। यहाँ तक ये वर्किंग हमारी सेव हो गई है। भी अगेन स्लो हो गया, इसको रिफ्रेश कर। आप लोगों का टास्क ये है कि भी आप लोगों ने यहाँ तक अपनी वर्किंग रेडी करके आनी है क्लास में, आप लोगों के बैनर्स, ठीक है। अब वो जिस भी तरह की हो, बेशक आपने वो टेक्स्ट वाले चूज़ करने हैं, आप वो टेक्स्ट वाले चूज़ कर लें,
ठीक है भैया, यहाँ पे जो जो आप लोग कैटेगरी लगाना चाहेंगे वो आप लोग लगा लेंगे। और यहाँ पर आप लोगों के चार पैनल लगाने, चार सेक्शंस लगाने हैं या तीन लगाने हैं, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या डिज़ाइन रख रहे हैं, ठीक है। और अगर इसके अलावा कोई और भी डिज़ाइन लगाना चाहें होम पेज के ऊपर, वो लगा सकते हैं अभी के लिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा होगा वो कॉमर्स कि भी हम लोग प्रोडक्ट कैटेगरीज कैसे ऐड करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने प्रोडक्ट कैटेगरीज नहीं ऐड की, उस नाम की हमने यहाँ पे सेक्शंस बनाए हैं, कॉलम्स बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अभी तक सिर्फ हमने इतना काम किया अपना।